एक अहम खबर है तमाम जेके बैंक के होल्डर्स के लिए, यानी जेके बैंक के जो सार्फिन है तमाम उन लोगों के लिए एक अहम खबर है। इस वीडियो को शेयर करके आगे भी पहुंचाएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। आपको बता दें, आप सब जानते होंगे, कल जेके बैंक की जानिब से हर एक शख्स के लिए या हर एक शख्स तक एक मैसेज पहुंचाई गई थी कि आप अपने जो है यूपीआई पे जो ऐप होते हैं उनका या जो उनमें आपकी यूपीआई में जो पिन पासवर्ड होता है या आपके लिए कोई ओटीपी आता है वो किसी से शेयर ना कीजिएगा, वरना आपका जो खाता है वो खाली हो सकता है। आप सब जानते हैं कि साइबर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं ऐसे लोग क्या करते हैं कि आपके लिए कोई लिंक भेज देती है थ्रू SMS, आप उसे ओपन करते हैं, आपके फोन में ओटीपी आता है, वो आप उनको दे देते हैं, तो आपका बैंक खाता जो है वो स्कैमर्स खाली कर देते हैं। तो जेके बैंक ने अपने सारे कस्टमर्स को कल एक मैसेज भेज के अवेयर किया कि आप अपने पिन पासवर्ड या फिर ओटीपी किसी को शेयर ना कीजिएगा, वरना आपका खाता जो है वो खाली हो सकता है। आप सब जानते हैं कि ऐसे बड़े बड़े स्कैम जो है साइबर फ्रॉड की जानिब से किया गया है कि लोगों को लूटा गया है ऐसे ही SMS या मैसेज देकर, या यूं करते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं कि आप करोड़पति बन रहे हैं, आपको इतने पैसे मिल रहे हैं, तो वो क्या कर रहे कहते हैं कि आपके फोन में एक ओटीपी आएगा, वो शेयर कीजिएगा आप हमारे साथ तो आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में आएंगे, ऐसा करके आपसे ओटीपी लेते हैं, उसके बाद आपका खाते को वो खाली कर देते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स देखे हैं, जिस तरीके के फ्रॉड आज कल हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड सामने देखने को मिल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कैम जो है ये फ्रॉड स्टोर की जानिब से आम लोगों के साथ किया जाता है, या यू क्या ऐसे ही कुछ स्कैम्स किए जाते हैं, यानी लाइक बोलते हैं ड्रीम इलेवन में आपकी टीम जीतेगी, आपको इतने पैसे देने होंगे, देने पड़ेंगे हमें, हम आपकी टीम लगाएंगे तो आपको पैसे आएंगे, आप जीत जाओगे वगैरह, ऐसे जो है स्कैम करके वो आप लोगों से पैसे लेकर आपको लूट लेते हैं। लेकिन कहीं बैंक के साथ साथ कल हमने देखा जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने तमाम सार्फिन तक एक मैसेज पहुंचाई थी कि आप अपने जो पिन पासवर्ड होते हैं यूपीआई एप्स के या फिर आपके ओटीपी वगैरह किसी से शेयर न कीजिएगा, वरना आपका खाता जो है वो खाली हो सकता है, क्योंकि स्कैमर्स बड़े बड़े स्कैमर्स इसी तरह जो है अंजाम देते हैं। आपके फोन में SMS भी भेज सकते हैं जिसपे एक लिंक होगी, उस पर आप ओपन करेंगे, उसके बाद जो है सारा एक्सेस उनके पास चला जाएगा, तो आपका प्राइवेसी जो है वो खत्म हो जाएगी, उनके पास सारे जो है आपके फोन को वो वहां से बैठ के मॉनिटर कर सकते हैं और साथ में आपके खाते को खाली कर सकते हैं। ये बड़े बड़े स्कैमर्स होते हैं, आपने यू भी देखा होगा, कुछ ऐसी एप्स होती है जहां से आपको बोला जाता है लोन प्रोवाइड किया जाएगा, थर्ड पार्टी एप्स होती है, आप तमाम एक्सेस उनको दे देते हैं, तो ऐसे में भी वो आपके फोन को जो है वो वहां से एक्सेस करके आपके खाते को जो है वो खाली कर सकते हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर बैंक या बाकी बैंक की जानिब से हर बार अपने कस्टमर या सार्फिन को अवेयर किया जाता है कि आप ऐसे साइबर फ्रॉड्स में मत पड़िएगा, आप अपना ओटीपी पिन पासवर्ड ये शेयर न कीजिएगा, वरना आपका खाता जो है वो खाली हो सकता है, तो ऐसे में आपको एहतियात बरतना जरूरी है, वरना आपका खाता खाली हो सकता है। किसी को अपना पिन पासवर्ड जो है एप्स का यूपीआई एप्स का न दीजिएगा और साथ में अपना ओटीपी भी शेयर न कीजिएगा, वरना आपका खाता जो है वो खाली हो सकता है। ऐसे मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए।